वेल गाइस, तो अभी हमारी गाड़ी हो चुकी है वॉशिंग, मेरी अपाचे भी हो चुकी है और सागर की आरएस भी हो गई। ज़्यादा करके आरएस की ज़्यादा चमक रही है। तो ये हमारे साथ आज राइड पे जुड़ने वाले हैं। तो इनका भी यूट्यूब पे चैनल है गुजरात 111 गाइस। तूने एडेप्टर नहीं लगाया? पिन चालू नहीं हो रही। गाइस यार गाड़ी बंद हो गई, चालू ही नहीं हो रही यार। ओ बच गया वो। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज शाम की राइड हो रही है क्योंकि सागर का वीकॉप था, तो उसने मेरे को मॉर्निंग में ही मैसेज करके बता दिया था कि आज मॉर्निंग में राइड नहीं करेंगे, आज मेरा वीकॉप है, मेरी छुट्टी का दिन है, तो आज शाम को राइड करेंगे। तो शाम का राइड हो रही है अभी। तो आज हम उठाएंगे गाइस थोड़े रिएक्शंस, थोड़े मार्केट में जाके लोगों के रिएक्शन उठाएंगे। और तो गाइस मैं बता दूं आपको कि अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं गाड़ी धुलवाने, तो सागर की गाड़ी धुलवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी धुलवा लूँ गाइस। तो गाइस सबसे पहले जाएंगे अपने सागर को बाइक वॉश कराना है, तो सबसे पहले इसकी वॉशिंग कराएंगे। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी करा लूँ, वैसे इच्छा तो नहीं कराने की, देखते चलो अपने भी करवा ही लेंगे। वैसे बहुत दिन हो गए इस बाइक को भी वॉश करवाए, तो चलते हैं गाइस सबसे पहले वॉश कराएंगे। जल्दी से वॉश कराने के बाद वहाँ से निकलना है रिएक्शंस के लिए गाइस, नहीं तो अगर अंधेरा हो गया तो मज़ा नहीं आएगी रिएक्शंस उठाने के लिए। मेरा वाइज़र अभी ओपन है क्योंकि वाइज़र खोल के रखा है, इसलिए विंड ब्लास्ट आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। हर जगह रास्ता ब्लॉक करके रखा है, इतनी ट्रैफिक है यार, हर जगह रास्ता ब्लॉक किया, अब तो अंदर डालना ही पड़ेगा गाड़ी। वाइज़र कर लेते हैं बंद गाइस, दिक्कत नहीं होगा इससे। ओके, तो वाइज़र कर लिया हमने बंद। भाई सागर की तो लाइट जमझमा रही है यार, आज तो हैजार्ड चालू रखा है उसने भाई ने, वैसे जल्दी रखता नहीं है ये चालू, आज रखा है। क्या भाई साहब, क्या रिएक्शन से रे, मुंह से सबके आवाज निकलते निकलते रह जा रही है सब, पता नहीं क्या भाई, मन रिएक्शंस बहुत तगड़े हैं इनके भी। रिएक्शंस देखो सबके रिएक्शंस, इनके भी रिएक्शंस देखो भाई साहब। पहचान लिया? जरूर यार, वॉशिंग करानी थी बाइक। हो दोनों कर दो, सस्ते में ले ली। उस दिन मैं यही लेने गया था, आप मिले थे ना वहां पे, 1800 से बोला था, 600 में लेके आया है। अपने जहां तुमने बोले वहीं से तुरंत गाड़ी वहीं पे ले गया। कॉल करके इसने सुबह मेरे को बोल दिया था कि आज वीको पे भाई, तो शाम को राइड करनी है, सुबह तो नहीं करनी है क्योंकि इसका आज रजा है। तो सुबह ये काम कुछ कर रहा था, कपड़े वपड़े धो रहा था, बर्तन वर्तन भी माँज रहा था ये, है ना, सही बात है ना।
ना भाई तू ही बोला था, झूठ ना बोल। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी वॉशिंग कराने के लिए लेके आए, तो अभी आरएस को भी वॉशिंग कराना है, अपनी तो वॉशिंग हो ही रही है। तो अभी वॉशिंग होने के बाद निकलते हैं यार यहाँ से रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा लेट हो चुके हैं। भगवान करे कि अंधेरा ना हो जाए, जल्दी से काम हो जाए हमारा। तो अभी हमारी गाड़ी हो चुकी है वॉशिंग, मेरी अपाचे भी हो चुकी है और सागर की आरएस भी हो गई। ज़्यादा करके आरएस की ज़्यादा चमक रही है, उसकी अच्छी लग रही है क्योंकि वो नवी गाड़ी है, अभी 5-7 ही महीना हुआ है इसको गाड़ी को, तो इसकी भी अच्छी लग रही है। और हाँ गाइस, आज हमारे साथ एक और राइडर जुड़ने वाला है, तो जिसका नाम है प्रशांत। प्रशांत भाई आओ भाई। तो ये हमारे साथ आज राइड पर जुड़ने वाले हैं, तो इनका भी यूट्यूब पर चैनल है गुजरात 111 गाइस, तो सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को भी। तो वो चलाने वाले अपनी अपाचे, तो ओल्ड मॉडल वाली गाड़ी है, तो कोई बात नहीं गाइस। तो अभी निकलते फटाफट से जल्दी से राइड पे, और बच चुके हैं 7:30, तो अंधेरा होने में टाइम नहीं लगेगा, चेक कर सकते हो अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। फिर तो वीडियो की क्वालिटी जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से राइड के लिए, मिलते हैं राइड पे। निकल चुके हैं गाइस राइड के लिए, और अभी हमारे साथ 3 राइडर हैं मेरे को लेके, तो अभी थोड़ा रिएक्शन उठाएंगे, देखते हैं कैसे रिएक्शन मिलते हैं, मुझे नहीं पता रिएक्शंस मिलेंगे। बट गाइस देखे आपने, लड़कियां हंस रही है गाइस, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ यार बनी के हेलमेट के ऊपर। भाई रिएक्शंस तो तगड़े हैं, अब देखते हैं गाइस आज तो नाइट में राइड होने वाली है, मुझे लग रहा है अंधेरा तो फिक्स है, अंधेरा तो हो ही चुका है, खाली देखते हैं आज किसी मजा आती कि नहीं। वॉशिंग कराने के बाद गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है अपनी, उसने माइक लगाया नहीं है जहां तक। तूने एडेप्टर नहीं लगाया पिन? अच्छा वो इसको बता दिया, वरना आ गई ये माइक में बोलता रहता और इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। एक्चुअली में ये सीन मेरे साथ हो चुका है, एक बार मैं गया था रेलवे स्टेशन, तब मैंने बड़बड़ाते गया था, बट मेरा माइक का जो जैक होता है वो नहीं लगा हुआ था, तो दिक्कत हो गई थी इसमें। साथ में नहीं आ रहा था क्या? अबे यार रुक रुक रुक, क्यों ऐसा भाई? चल इसको ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ रुक गया था भाई? हाँ ऐसा है, वजन ज्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर, वजन ज्यादा पड़ रहा है इसलिए वो निकल जा रहा वायर। अभी अभी धुलवाया है ना इसीलिए, वायरिंग में पानी गया है पक्का, या तो प्लग में पानी गया है, चालू नहीं हो रही। यार हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों सीन होता है यार, समझ में ये नहीं आता मेरे को, चालू नहीं हो रही अब गाड़ी। वॉशिंग कराया है इसीलिए शायद, साइड में करके चेक करते हैं। यार इसका भी नया टंटा है यार, गाड़ी चालू नहीं हो रही अब। प्लग में पानी गया है पक्का, भाई सीन हो गया आज तो।
पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है। तेरे को कुछ नॉलेज है भाई, प्लग कहाँ आता है इसमें, प्लग व्लग कुछ पता है? गाइस यार गाड़ी बंद हो गई, चालू ही नहीं हो रही यार। यार मुझे पता होता कि वॉशिंग कराने से ये दिक्कत आएगी तो मैं नहीं कराता वॉशिंग यार। डेली व्लॉग की ऐसी की तेजी हो गई आज तो। जब राइडिंग करने में ये सीन होता है ना तो भाई बहुत गुस्सा आता है, वो भी एंड मोमेंट पे यार। एक तो अंधेरा हो रहा है वो अलग, चालू हो रही है बाकी छोड़ दे रहा है बार बार। चेक करते हैं अभी स्पार्क प्लग निकाला है भाई ने, अभी देखते हैं शायद इसको साफ करके लगाएंगे तो चालू हो सकती है। मारू सेल, बंद ही नहीं हो रही, ये चौंड जा रहा है, पानी आया लग रहा है भाई। एक्सपीरियंस है क्या बाइक का थोड़ा भी? अरे क्या बात है, क्या बात है, चालू हो गई, चालू हो गई। यार फाइनली यार काम आ गए भाई, आज तुम काम आ गए यार। आज किस्मत में था यार सही में। इनका आना यार और मेरी गाड़ी भी बिगड़नी हुई थी, और अच्छा वो आ गए और गाड़ी भी चालू हो गई यार। स्पार्क प्लग में पानी था, दिक्कत पता चल गई थी। वॉशिंग कराया था उससे पहले ठीक चल रही थी, वॉशिंग कराने के बाद मुझे पता तो चल ही गया था कि इसका स्पार्क प्लग में पानी गया होगा इसीलिए। भाइयों तो चले यहाँ से जल्दी से, बाइक बंद हो गई थी वरना इतना टाइम नहीं होता, इतना लेट तो नहीं होता, बाइक बंद हो चुकी थी इसीलिए। बट भाई आया था अपना प्रशांत भाई, उसने स्पार्क प्लग खोल खाल के ठीक कर दिया, साफ सफाई करके चालू हो गई एक सेल के अंदर ही। तो अभी हम तीन राइडर है सब। भाई सागर भाई भाई कतई जहर, अपनी दूसरी गाड़ी कहाँ गई भाई? तो अपाची आरएस 200 और ये भी अपाचे गाइस, तो आज तीन राइडिंग कर रहे हैं गाइस, वो भी नाइट में। आज तो कुछ नहीं दिखने वाला है भाई, कुछ नहीं दिखने वाला है, पूरा अंधेरा हो चुका है। भाई स्माइल, कम से कम रोड तो खोल दो। इतने दिनों से रोड अभी तक बना ही रहे ये लोग, मेन रास्ता है आना जाना यहाँ से लगा रहता है लोगों का, तो फटाफट से बनाना चाहिए इनको रोड, उसमें भी कंजूसाई कर रहे हैं हर जगह। अगर मैं वहाँ पे भी गया था तो भी रोड बंद था, और यहाँ पे भी आया तो भी रोड बंद है, पता नहीं यानी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं यार। एक साइड का ही रोड ऑन करके रखा है पता नहीं क्यों। सागर कहाँ रह गया यार? इतने सारे राइडर होते हैं ना तो यही दिक्कत पड़ती है, कोई एक पीछे रह जाता है, कोई एक आगे निकल जाता है। ओ फंस गया भाई,
क्या चला रहा है सागर? सागर भाई तू यार नहीं चलाया कर ऐसा, भाई रिक्स ले लेता है बहुत। फाइनली गाइस तो पहुंच चुके अपने लोकेशन के ऊपर, जनेसर वन के ऊपर गाइस, जहां से हमारा व्लॉग स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। तो आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। सच ये वैसा व्लॉग तो नहीं बना आज का, कोई बात नहीं, कल अच्छी वीडियो लाएंगे। और आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।